है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के इतिहास में पहली बार सीधे केंद्र के माध्यम से एक गांव के विकास के लिए एक रकम पहुंचाई जाती है, जो अभी 15th जो हमारी फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से पहुंचाई जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये व्यवस्था जैसे ग्राम पंचायत के लिए है, अभी हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव अभी ही पूर्ण हुए हैं, तो जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं जैसे कि जिला पंचायत के, तालुका पंचायत के, इनकी भी एक डिमांड है कि जिला पंचायत स्तर पे, तालुका पंचायत स्तर पे भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था केंद्र सरकार आने वाले दिनों में कोई प्रावधान करने जा रही है, और केंद्र सरकार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज ग्रामीण विकास से समर्पित है, क्या उस दिशा में ऐसा कोई प्रावधान आने वाले दिनों में होने वाला है माननीय मंत्री जी से? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय सदस्य जिस जिला परिषद और तहसील परिषद के सदस्यों के लिए डिमांड कर रहे हैं, वर्तमान के अभी के ही चुनाव में उन्हीं के क्षेत्र में मुझे भी जाने का मौका मिला था। उसी समय वहाँ के जिला परिषद के लोगों ने भी हमारे सामने ये इशू को रखा था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साहब, पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को 14 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सीधे पैसे पहुंचाने का आज़ादी के बाद यदि सबसे बड़ा उपक्रम लिया गया वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया और पैसा सीधा ही पंचायतों को पहुंचाया गया, और इसी के चलते पंचायतों में सरपंचों जो काम कर रहे हैं वो अब अपने को इस विकास के हिस्सेदार मानने लगे हैं और इसका फल भी मिल रहा है। मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन के मेरे साथियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये पंचायतों की ओर से, जिला परिषदों की ओर से और हमारे कई सांसदों की ओर से भी हमें ये सुझाव मिलते रहे थे कि तहसील पंचायत और जिला परिषद के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच तो पावरफुल हो गए मगर हमारे पास कोई सुविधा नहीं होने की वजह से हम थोड़े दुखी हो रहे हैं। उसके दुख का निवारण हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे तोमर जी ने कर दिया है, और अगले 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तहसील पंचायत को 10-25% और जिला परिषद को 5-15% की राशि मुहैया कराने का निर्णय ले लिया गया। श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी। धन्यवाद महोदय। ये माननीय मंत्री जो उत्तर दे रहे हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज